तो आप सब जानते ही हैं कि शहनाज गिल को पानी से फोबिया है और भुला दूंगा में होना था अंडर वाटर शूट, जहां सिद्धार्थ शहनाज को ये सीन करने से मना कर रहे थे, तो वहीं शहनाज ने सिद्धार्थ पर भरोसा रखते हुए सीन किया और ये कहा कि मैं जानती हूं कि सिद्धार्थ है, मुझे कुछ नहीं होने देगा। शहनाज गिल फोबिया के बाद भी अंडर वाटर शूट करने चली गई। शहनाज ने उस शूट को पूरा भी किया और सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज के भरोसे पर खरे भी उतरे। सिद्धार्थ ने शहनाज गिल को एक पल के लिए भी पानी में पैनिक नहीं करने दिया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि पूल वाला सीन करने के बाद खुद सिद्धार्थ की हालत हो गई थी खराब? जी हाँ, भुला दूंगा के सामने आने के कई दिनों बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि ये शूट करने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में आ गई थी सूजन। अंडर वाटर शूट करने के बाद सिद्धार्थ की आंखों में काफी तकलीफ हो गई थी। असल में पानी में था क्लोरीन और पानी में क्लोरीन होने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को आंखों में इरिटेशन होने लगी, जिसके बाद सिद्धार्थ की आंखें सूज गईं। जी हाँ, भुला दूंगा के लिए सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ने ही अपनी अपनी लिमिटेशंस को एक तरफ रख कर काम किया है, क्योंकि शहनाज उन दिनों मुझसे शादी करोगे के शूट में भी बिजी थी, इसलिए 24 घंटे लगातार दोनों ने ये गाना शूट किया। वेल, फैंस को याद दिला दें कि सिद्धार्थ और शहनाज ने ये कहा है कि जब गाना 100 मिलियन व्यूज पार कर लेगा तब सिद्धार्थ और शहनाज देंगे फैंस को एक सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या होगा फिलहाल तो देखने वाली बात ये है। बताते चलें कि गाना 70 मिलियन के करीब पहुंच गया है, अब बस फैंस को थोड़ी मेहनत और करनी होगी। उसके बाद सिद्धार्थ देने वाले हैं फैंस को एक खास तोहफा। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।